ऊपर वाले का शुक्र अदा करूंगी कि बच्चे इस काबिल हैं कि एक दूसरे का स्टार काम करता है एक दूसरे के साथ। मुझे खुद नहीं पता, मम्मी से पूछिए। मम्मी क्या है राज? एक जन्नत और फैजू की सॉन्ग्स आए ना, थोड़ा ब्रेक ले लेके आए। इतना खूबसूरत मौका है और जैसे ही जन्नत का कोई गाना आता है वो ट्रेंड तो होना ही होना है, यूट्यूब पे उसको इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इस बार खूबसूरत भी बहुत लग रही है, स्टाइलिश बहुत लग रही है, डांस बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितनी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सब तो आप ही ने कह दिया, डांस भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी बहुत लग रही, सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि जन्नत का लुक भी काफ़ी डिफरेंट है इसके अंदर, एंड सॉन्ग तो वाकई बहुत हार्ट टचिंग है, थोड़ा डिफरेंट है। लाइक कैरम की रानीज, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कैरम की रानी को लेके गाना बनाना। सो इट्स रियली वेरी डिफरेंट सॉन्ग और बहुत ही सिंपल सोबर सॉन्ग है। लाइक आजकल की जनरेशन को जो पसंद आता है उस तरीके का गाना बनाए, एंड इंशाल्लाह ये नंबर वन ट्रेंडिंग पे जल्दी ही आ जाएगा। होप कि रात तक आ जाए, वरना कल तक तो आ ही जाएगा। आयन क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि सॉन्ग बहुत अच्छा है, लुक भी अप्पी का बहुत अच्छा है, जो कपड़े दिए गए हैं पूरा धरती दी ने बहुत अच्छा लुक दिया है, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सॉन्ग जो एडिट होके और हर एक चीज़ के बाद साउंड और वो सबको पूरा जो प्रॉपर जो पोस्ट हुआ है वो सॉन्ग को देख के बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन खास बात तो ये है कि पिछली बार भी मैंने बोला था आपको ये बात कि आप लकी मैस्कॉट हो, आप जब आते हो गाने में वो इतना अच्छा निखर कर आते हैं और वो ट्रेंड तो बने ही है, आप क्या कहना चाहोगे और आपसे भी मैम हाँ मेरी राय चाहिए तो मैं तो भैया ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगी कि बच्चे इस काबिल हैं कि एक दूसरे का स्टार काम करता है एक दूसरे के साथ, और बच्चे ऐसी कामयाबी सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। एंड रियली अयान जन्नत के लिए लकी चार्म है, तो वैसे जन्नत भी अयान के लिए लकी चार्म है, और बाकी तो पहले मम्मी दोनों के लिए लकी चार्म है और मम्मी दोनों के लिए लकी चार्म है। तो डैडी आपकी अलग ही फैन फॉलोइंग है, आपकी क्यूटनेस की साथ इतनी कम उम्र में ऐसे आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपका काम जब भी हम देखते हैं चाहे वो फिल्म में हो या किसी भी चीज़ में उसको पसंद करते हैं, आप इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इतनी कम एज में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा उसका शुक्रगुजार हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं कहीं मॉल जाओ या कहीं जाओ, लोग आते हैं बोलते हैं अयान भाई एक फोटो, बहुत अच्छा फील होता है, एंड दैट्स इट। क्यूटनेस का राज क्या है? इसी तरह लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं। मुझे खुद नहीं पता, मम्मी से पूछिए। मम्मी क्या है राज? मम्मी खाना खिलाती है। मम्मी खाना खिलाती है, मम्मी से पूछना होगा। अच्छा अयान और मैम आप दोनों से पूछ जाएंगे कि राम की फैजू और जन्नत की ये ट्रायो जो तिकड़ी है वो इतनी कमाल क्यों है कि जब भी आते हैं तो उसमें वो गाना गारंटी है कि वो हिट होने ही होना है? एक तो सबसे फैजू इज़ वेरी नाइस, ये सब जानते हैं, फैजू की भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और फैंस चाहते हैं भी जन्नत और फैजू को साथ में देखना, और ये बात हकीकत है कि हम चाहते हैं कि लाइक जन्नत और फैजू की सॉन्ग्स आए ना, थोड़ा ब्रेक ले लेके आए लाइक 4 months 5 months ऐसे करके, लेकिन फैंस के इतने कमेंट्स होते हैं राम जी के पास कि जन्नत फैजू तो नहीं चाहते, वो पता नहीं कैसे अच्छे अच्छे गाने बना के लाते हैं, और हम मना नहीं करते भी हम एक गाना उठा ही लेते उनके पास से, और ये बात हकीकत है कि इन तीन की जोड़ी बहुत अच्छी है और फैंस को बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हाट टू से, लाइक इट इज़ रियली अगेन इट इज़ लव, व्हाट टू से एल्स। मुझे जैसे मैंने बताया मुझे लुक बहुत अच्छा लगा, और जहाँ पे हम लोगों ने शूट किया है वो हेलीपैड वाली लोकेशन वेरी नाइस, वो इतनी अमेजिंग लोकेशन थी, मतलब वहाँ पे से जो व्यू आ रहा था वो इतना अमेजिंग, वहाँ पूरा ओल्ड दुबई न्यू दुबई दोनों, मतलब बेस्ट व्यू था वो, मतलब कि जो मैंने 2020 में देखा व्यू वो बेस्ट व्यू था। हम लोग बस कंटेंट निकालते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कंटेंट और बना देते हैं। बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए ना, और इन तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लास्ट मैं तो आपका भी बोलूंगा कि इतने सारे आपके फैंस हैं,
कहते तो रहे हैं की वजह से और आपकी वजह से भी, क्योंकि आपको हमेशा हम लोग जो है जब भी आप आते हैं तो बात करते हैं अपनी लड़कियों बहुत ही साफ हुए से क्या कहना चाहेंगे। और इस बार कैरम की रानी, अगली बार तो बात भी हो गई है, पहली बार जैसे दिखला था कि चॉकलेट से कुछ रिलेटेड बना सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपके चॉकलेट से याद आ गया, मेरे पास चॉकलेट का सॉन्ग आ गया है। चॉकलेट का आएगा, आएगा जल्दी आएगा, और होप करती हूँ आपको मैं इस वो चॉकलेट वाले सॉन्ग के लिए मैं आपको बाइट दूंगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग बस ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने ये सॉन्ग दुबई में शूट किया है, वो भी इतने रिस्क के साथ, लेकिन प्रॉपर हम लोगों ने कोविड के टाइम में इतने रिस्क के साथ शूट किया है, और लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर प्रिकॉशन लिया, तो वो इतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन हम लोग को चाहिए बस एक चीज़, आप लोग का प्यार। प्यार चाहिए, आप सॉन्ग को पसंद कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए, स्वाइप अप कीजिए और उसको नंबर 1 पहुँचाइए, जैसे हर सॉन्ग को पहुँचाते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।